दिल्ली पुलिस में तैनात एसीपी ने अपने जंगपुरा स्थित आवास में खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। मृतक एसीपी का नाम अनिल सिसोदिया था, जिनकी उम्र 55 वर्ष थी। महज 3 दिन पहले ही उनकी पत्नी की मृत्यु हुई थी, जिसके बाद बुधवार शाम एसीपी अनिल सिसोदिया ने भी खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। हालांकि अभी तक आत्महत्या क्यों की गई इस बात का पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि एसीपी अनिल सिसोदिया खुद को घर के अंदर बंद कर खुदकुशी कर ली। जब लोगों ने गोली की आवाज़ सुनी तो पुलिस को इसकी सूचना दी। लोगों ने इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो दरवाज़ा तोड़कर देखा कि अनिल सिसोदिया खून से लथपथ जमीन पर पड़े हुए थे। अब वही पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि अनिल सिसोदिया जो हैं एसीपी हेडक्वार्टर थे और वर्तमान में वो अभी दिल्ली कैंट में बैठा करते थे। जी हाँ, दिल्ली कैंट की जो कोर्ट होती है उसमें उनकी ड्यूटी चल रही थी और अचानक देखिए जिस तरीके से उनकी पत्नी की मौत हुई, उसके बाद उन्होंने डिप्रेशन में ये कदम जो है वो उठाया। फिलहाल जो है पुलिस और भी मामले की जांच कर रही। पुलिस के आला अधिकारी जो है मौके पर पहुंचे हैं। साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का ये पूरा मामला है जहां पर ये पूरी खुदकुशी हुई, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए आप खुद डीसीपी हों, एसीपी हों, एडिशनल डीसीपी, सभी लोग मौके पर जो है वो मौजूद हैं। तस्वीरें हम आपको जंगपुरा की दिखा रहे हैं। जंगपुरा के मकान नंबर 25 में जो है अनिल सिसोदिया रहा करते थे, जहाँ की ये पूरी घटना है। आरसोनी की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। ताज़ा तीन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। सचेत आरसोनी न्यूज़ को आप Facebook और डेली हंट पर भी फॉलो करें, जहां पर आपको सबसे पहले सबसे सटीक खबर मिलती है। आरसोनी न्यूज़ के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन राहुल के साथ संजीव सिंह की एक खास रिपोर्ट आरसोनी न्यूज़ पर। Thank you.